نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم حضرات سامعين الكرام عاد إن شاء الله سورة المسد की तफसीर को समझना है इस सूरत के मुख्तलिफ नाम हैं क़ुरतुबी अलैह ने जब इस सूरत की तफसीर की तो उन्होंने नाम इस सूरत का लिखा मसद। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में जब इस सूरत की तफसीर की तो इसका नाम लिखा सूरत तब्बत और मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह स्मानी रहा आरारफ़ुल्क्रन में जब इसकी तफसर की तो सूरत का नाम लिखा सूरत लहब तो चाहे सूरत लहब के हैं चाहे मसद के हैं चाहे सूरत तब्बत के हैं ये सब नाम हैं क्योंकि ये तमाम वो अल्फाज हैं जो इस सूरत के अंदर मौजूद हैं तब्बत से तो ये सूरत ही स्टार्ट होती है तब्बत यदा अभी लहब वतब और लहब ये पहली आयत में ये लफ्ज आया है तब्बत यदा अबी वतब और मसद इस सूरत की आखिरी आयत का आखिरी लफ्ज है फी जी दिहा हब मसद ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई ये सूरत मक्या है और इस पर पूरी उम्मत का इजमा है किसी क़स्म का कोई इख्तलाफ़ इस बात में नहीं है ये सूरत मुबारक अपनी नौीय की एक मुनफरद सूरत है पूरे क़ुरान करीब में अपनी नौत की यह एक मुनफरद सूरत है इस सूरत में अल्लाह इज़्ज़त ने दो दुश्मनान इस्लाम का तजकर किया है और उन्हीं के सिलसिले में ये सूरत नाजिल फरमाई है और वो दो इस्लाम के दुश्मन जिनके सिलसिले में पूरी सूरत क़ुरान में नाजिल हुई है वो अबू लहब और उसकी बीवी है उम्मे जमील यह जो मियाँ बीवी है यह जो जोड़ा है ये इंसानी तारीख का ऐसा बदनसीब और महरूमुल किस्मत जोड़ा है कि इनकी शनात कबाहत और मजम्मत को बयान करने के लिए कुरान में पूरी सूरत नाजिल हुई है वैसे तो पूरा कुरेश और सारे कुफ़ार मक्का इस्लाम के दुश्मन थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे मगर अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील इन दोनों ने तो दुश्मनी के और ईज़ा रसानी के सारे रिकार्ड तोड़ दिए और ऐसी दुश्मनी की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी एतबार से ज़हनी एतबार से ऐसा टार्चर किया कि अगर इस दास्तान को बयान किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाए और ये अबू लहब यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद माजिद थे अब्दुल्ला ये उनका भाई है हकीकी भाई तो नहीं है बाप शरीक है अब्दुल मुत्तलिब तो दोनों के बाप हैं मगर माँ दोनों की मुख्तलिफ थी और शुरू में इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मरहूम भाई के बेटे थे इसके भतीजे थे चुनाचे रिवायतों में आता है कि सुवेबा नामी जिस बांदी ने अबू लहब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की ख़बर दी थी तो ख़ुशी में अबू लहब ने अपनी उस बांदी को आज़ाद कर दिया था कि तूने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे सुनाई है मेरे मरहूम भाई के यहाँ बेटा हुआ है कि खुशी में मैंने तुझे आज़ाद कर दिया और इसको बड़ी मोहब्बत थी अपने भतीजे से लेकिन जू जू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए यहाँ तक कि आपने नबूवत का दावा फरमाया आप पर वही आना वही नाजिल होना शुरू हुई तो इसकी सारी मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई और ये आपका और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया अबू लहब तो इसका लकब है इसका नाम इसका नाम था अब्दुल और अबू लहब जो है अब्दुल मुत्तलिब ने इसका नाम रखा था प्यार में क्योंकि ये बहुत हसीन और जमील था और बहुत ख़ूबसूरत था और बहुत सुर्ख सफ़ेद था तो लहब के माना आते हैं आग का अंगारा अंगारा चूंकि सुर्ख होता है लाल होता है इसी तरह यह भी ख़ूब सुर्ख सफ़ेद था तो इसलिए इसको अबू लहब कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई, बहुत अजियत पहुंचाई, और एक बहुत बड़ा दुश्मन बन के ये सामने आया एक लंबी दास्तान है जिसको अगर बयान करेंगे तो सारा वक्त ख़त्म हो जाएगा मगर वो दास्तान ख़त्म नहीं होगी रिवायतों में आता है कि इस्लाम की अल सब सबसे पहले मुखालफत करने वाला जो शख़्स है वो अबू लहब है और तारिक बिन अब्दुल्ला अल अब्दुल्लामारबी फ़रमाते हैं कि मैं सूखे ज़िल मजाज में था ये एक बाज़ार लगता था मक्का मुकर्रमा में जिसमें तिजारत के लिए ख़रीदो फरोख्त के लिए दूर दराज से लोग आते थे तो इस मौके पर अल्लाह के रसूल वसल्लम इस बाज़ार में जाते जाते थे और इस्लाम की दावत देते थे तो तारिक बिन अल भी फ़रमाते हैं कि मैंने जिल मजाज में देखा कि एक शख्स है वो लोगों से कह रहा है या ए लोगो ला इल्लल्लाह पढ़ लो कलमा पढ़ लो इस्लाम में दाखिल हो जाओ तुम कामयाब हो जाओगे और दूसरा एक शख्स है जो इसको मार रहा है और इसके पैरों पे इसकी पिंडली पे इतना इतने वो पत्थर मार रहा है जिसकी वजह से उस शख्स की पूरी पिंडली और पिंडली का नीचे का जो हिस्सा होता है पीछे का टखनों के पीछे का कूब कहते हैं जिसको अरबी जबान में पूरा लूहू लुहान हो गया खून हम खून हो गया तो वो उसको मार भी रहा है और लोगों से कह रहा है कि ये झूठा है इसकी बात मत सुनो ये झूठा है इसकी बात मत सुनो तो मैंने लोगों से पूछा कि ये दोनों कौन है ये एक सीधा साधा जो शख्स है जो लोगों से इतना कह रहा है या इलाहा इल्लल्लाह तफफ्लू और दूसरा ये शख्स जो उसको इतनी बुरी तरह मार रहा है कि उसकी पिंडली और उसके उरकूब जो है लुहान हो गए हैं खूनम खून हो गए हैं और सब लोगों को ये कह रहा है कि इसकी बात को मत सुनो ये झूठा है ये बददीन है तो लोगों ने बताया कि ये जो शख़्स है जो लोगों से Uh, को क्या किसे? इस्लाम की दावत दे रहा है कलमे की दावत दे रहा है ये तो मोहम्मद है और इन्होंने नबुवत का दावा किया है और ये जो शख्स इसको मार रहा है ये इसका चचा है अबू लहब जो ये दावा करता है कि यह मोहम्मद झूठा है तो ये अबू लहब की इस्लाम दुश्मनी का हाल था और इसी तरह इस्लाम की मुखालफत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसम को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने में इसकी जो बीवी थी उम जमील वो भी किसी से कम नहीं थी अल्लामा कुरतुबी रहमतुल्लाह ला फ़रमाते हैं कि नाम तो उम जमील था मगर हकीकत में थी वो उम कबीह, क्योंकि जमील के माना तो खूबसूरत के आते हैं और वो थी कबी बसूरत बस आवर थी अवरा उसकी कान जो है उसकी आँख में ऐब था वो कानी थी तो थी कबीर मगर नाम रख रखा था उम्मे जमील ये हर इब्ने उमैया की बेटी थी और सुफियान इब्ने उमैया हर इब्ने उमैया की ये बहन थी और अबू लहब की बीवी थी और ये दोनों इस्लाम दुश्मनी में सबसे आगे निकले हुए थे एक मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम कुछ बीमार थे तो दो तीन दिन रात में आप उठे नहीं इबादत के लिए तो ये उम्म जमील आई आपके पास और कहने लगी कि माँ आरा शैतानक शयानक तरकक तरक नाउज़ुबिल्ला के मैं ये मेरा ख्याल ये है कि तुम्हारे शैतान ने यानी के अल्लाह ताला ने तुम्हें छोड़ दिया है लिहाजा तुमने अब रातों में उठना बंद कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इस बात से बहुत तकलीफ़ हुई तो सूर वद्दुहा नाजिल हुई वद्दुहा वही इदा सजा वद्दा का रब्बू का व माँ काला त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई कसम है दोहा की चाश्त के वक्त की वल इदा सजा और कसम है रात की जबकि वो छा जाए वद्दा का रब्बू का व मा कला आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा आपका रब आपसे बेजार नहीं हुआ आप वसल्लम को बड़ी खुशी हुई सूरत के नाजिल होने के बाद और इसी तरह इसके बारे में ये मशहूर है कि ये मुसलमानों की चुगल खोरी करती थी और मुसलमानों के खिलाफ बातें इधर से उधर लगाती थी ताकि फितना हो और मुसलमानों के खिलाफ गम और गुस्सा लोगों के अंदर ज़्यादा हो और जब यह मसद नाजिल हुई तब्बत यदा अबी लाबी मतब जिसमें इसकी भी बुराई थी और शोहर की भी बुराई थी तो ये ग़ुस्से में आप सल्लल्लाहु सला वसल्लम के पीछे आई आप सल्लल्लाहु आपली वसल्लम और हजर सदीक़ अकबर रदी अल्लाह तन ये दोनों बेतुल्ला के करीब तशरीफ़ फर्मा थे ये हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लेके आई ग़ुस्से में वहाँ अल्लाह के रसूल भी बैठे हुए थे और अकबर भी अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या वो फरमाई हिफाजत फरमाई और उसकी आँख पे ऐसा पर्दा डाल दिया कि सब कुछ उसको नज़र आ रहा था मगर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आ रहे थे सिद्दीक़ अकबर भी उसको नज़र आ रहे हैं सिद्दीक़ अकबर से वो कहने लगी कि कहाँ है मोहम्मद जहाँ भी मुझे मिलेगा नाऊजुबिल्ला तो ये पत्थर मैं उसके चेहरे पे मारूंगी उसके मुंह पे देके मारूंगी जिस मुंह से वह मेरी बुराइयां कर रहा है मैं ये पत्थर उस मुंह पर लेके मारूंगी और फिर कहने लगी कि मैं शायरा हूं और फिर उसने अपना शेर सुनाया और कहा मुजम्मन मन वह अमर हूँ अब ना वह कलईना मज़म्म की हमने नाफरमानी की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था मुहम्मद लेकिन कुफ़ार जब आपको बुरा भला कहते थे गालियां देते थे थे तो मुहम्मद नहीं कहते थे बल्कि इसके मुकाबले में कहते थे मुजम्म मुहम्मद की जिद है मुजम्म क्योंकि महम्मद बना है हमद से हमद के माना तारीफ तो महम्मद के माना है बिल तारीफ़ यानी वो शख़्स जिसकी खूब तारीफ़ की जाए वो महम्मद है और मुज्म बना है जम्मुन से मजम्मत से इसके माना आते हैं बुराई तो मुजम्म के माना हुए है काबिल मजम्मत जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुराई की जाए वो मजम्म है और जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ की जाए वो महम्मद है तो मोहम्मद कहने के बजाय वो आपको क्या कह रही है शेर में मुजम्ममन आसैना के मुजम्म की यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसना हमने नाफरमानी की है वह अम अबैना और उसके हुक्म को रिजेक्ट किया है हमने वह दीन कलैना और उसके दीन को नफरत करके हमने छोड़ दिया है चुनाचे जब वो चली गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तब वसल्लम से अर्ज़ किया कि आपका क्या ख़्याल है क्या उसने आपको नहीं देखा आप तो मेरे बराबर में है और वो आप ही को तलाश कर रही थी तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसकी निगाह पे ऐसा पर्दा डाल दिया कि मेरा जिसम और मेरी ज़ात उसको नज़र नहीं आई और ये जो कुरेश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने के वक्त मुज़म्मम कहते थे इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत आयशा रदी अल्लाह तह से फ़रमाया कि देखो अल्लाह ने किस खूबसूरती से मुझे कुरेश की गालियों से शतम से बचा लिया क्योंकि कुरेश जब भी मुझे गालियां देते थे तो मोहम्मद के बजाय मुजम्मम कहते थे और मजम्म तो मैं नहीं हूं मैं तो मोहम्मद हूं लिहाजा वो सारी गालियां मेरे ऊपर पड़ती ही नहीं थी अगर मोहम्मद कह के, के गालियां देते तो वो गालियां मेरे ऊपर पड़ती क्योंकि मैं मोहम्मद हूं अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत हीला फरमाया और ऐसा उनकी अकल के ऊपर क्या कहते हैं वो पड़ा पर्दा पड़ा कि वो बजाय मोहम्मद कहने के, के मुजम्म कहते थे वो मुजम्म में हूं नहीं लिहाजा वो सारी गालियां जो है वो मेरे ऊपर नहीं पड़ती थी बैर कैफ ये वो दो शख्सियात हैं मियाँ और बीवी अबू लहब और उम्म जमील जिनकी मजम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरी सूरत नाजिल फरमाई है इस सूरत का शान नजूल क्या है इमाम बुखारी रहमत अलैह ने और इमाम मुस्लिम रहमत अलैह ने इस सिलसिले में एक हदीस नक़ल की है हजरत अब्बास रदी अल्लाह की उन्होंने फरमाया कि जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई व अनजर अशीरत अक्रबीन जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए यानी जहन्नम की आग से अला सबीलमूम तो पूरी इंसानियत आपकी दावत की मुखातब है हर फर्द बशर आपकी दावत का मुखातब है हर एक को जहन्नम की आग से डराना ये आपका फरीज़ा जिम्मेदारी है लेकिन खसूसियत के साथ फरमाया गया कि आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको खसूसियत के साथ आप डराइए यानी उनको दावत इस्लाम देने का अहतमाम और ज़्यादा कीजिए तो अल्लाह ताला के इस हुक्म अमल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ गए और सफ़ा के ऊपर चढ़ के आपने कहा या सबाहा और फिर मुख्तलिफ कबीलों के नाम लेकर आपने मुखातब किया या बनी अब्दुल मुत्तलिब या बनी अब्दी मुनाफ़ ये तरीक़ा होता था उस जमाने में कि अगर कोई दुश्मन हमला करने वाला होता था किसी बस्ती के ऊपर तो इस तरह पहाड़ी पर चढ़कर आवाज़ दी जाती थी और लोग फिर अपनी हिफाजत की फ़िक्र में लग जाते थे तो जब ये आई सफ़ा पहाड़ी पर से ये आवाज़ तो लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि कौन है सब लोग घबरा गए कि इसका मतलब ये है के दुश्मनों का लश्कर हमारे हमारी बस्ती पे चढ़ाई करने वाला है हमला करने वाला है तो सब लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि ये कौन है किसकी आवाज़ है तो लोगों ने बताया कि ये मोहम्मद है तो सारे लोग वहाँ आके जमा हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से कहा कि ये बताओ कि अगर मैं तुमको ये ख़बर दूं के दुश्मन का लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है और किसी भी वक्त वो यहाँ पहुँच सकता है सुबह के वक्त या शाम के वक्त तो तुम मेरी बात को मानोगे मेरी तस्दीक करोगे तो सब लोगों ने एक आवाज़ के कहा बिल्कुल हम आपकी बात मानेंगे क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा भी आपकी ज़बान से झूठ नहीं सुना लिहाजा हमें आपके अमीन होने पर पूरा यकीन है हम आपकी बात मानेंगे जब ये इकरार करा लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फिर आपने अपनी बात कही फरमाया कि मैं तुम लोगों को एक दर्दनाक अजाब से डराता हूँ यानी कुफर और शिर की बुनियाद पर जहन्नम में जो अजाब मिलेगा मैं उससे डराता हूं ये बात जब सुनी तो वो सब नाराज हो गए सब गुस्सा हो गए कि ये तो अपने वही अपनी बात कह रहा है जिस बात को लेकर हमारा इससे इख्तलाफ है तो उस मौके पर अबू लहब ने एक जुमला कहा तब लकली अलीहादा जमाता ना पूरे दिन तेरे ऊपर हलाकत हो बर्बादी हो क्या इसी काम के लिए तूने हमें जमा किया है हम तो समझे कि कोई दुश्मन आ रहा है और चढ़ाई करने वाला है ये खबर सुन के हम आए थे और यहां जब पहुंचे तुम तो वही बात कह रहे हो जिससे हमारा तुम्हारा है तो ये जो उसने कहा तबन हलाकत हो बर्बादी हो तो इसी मौके पर भी यह सूरत नाजिल हुई तबत अबी तब मा अगना सब

तब्बत यदा अबी लहब ये तो बदुआ है और वतब ये खबर है कि इस बदुआ का जाहिर होना और कबूल होना इतना यकीनी है गोया कि तुम समझो कि बर्बाद हो गए किराम ने फरमाया मुफसरीन के राम ने कि अबू लहब के दोनों हाथ से मुराद उसकी ज़ात भी हो सकती है क्योंकि यदानी से कभी कभी ज़ात मुराद ले लेते हैं जैसे कुरान में आया है बीमाकत दमत यदाख यहाँ भी नफ्स मुराद है बीमाकत दमत नफ्सुख और हाथ भी मुराद हो सकते हैं क्योंकि एक मौके पर अबू लहब कह रहा था लोगों से कि मोहम्मद ये कहते हैं कि मरने के बाद ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा हमारे इन हाथों ने तो आज तक ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं फिर अपने हाथों को मुखातब करके कहने लगा कि तब लकुमा तुम दोनों के लिए हलाकत और बर्बादी हो क्या तुम दोनों ने ऐसी कोई चीज़ देखी है जो ये मोहम्मद कहते हैं तो इस वाक़े की तरफ़ इशारा करते हुए यहां यदा अबी लहब कहा गया तो ये दो कौल हैं मुफसरीन के अबू लहब की जात भी मुराद हो सकती है और अबू लहब के दोनों हाथ मुराद हो सकते हैं हासिल और खुलासा दोनों का एक ही है वतब और हलाक हो गए हालांकि ये अबू लहब जो है इसके मरने और दुनियावी हलाकत और बर्बादी से तकरीबन दस साल पहले यह सूरत नाजिल हुई जब यह सूरत नाजिल हुई और ये शान नज़ूल का वाक़ पेश आया तो उसके बाद आपने पूरा दौरे मक्की गुज़ारा उसके बाद आप मदीना मनवरा गए मदीना मनवरा के कयाम में गजवा बदर हुआ गजवा बदर के सातवें दिन गजवा बदर ख़त्म होने के बाद सातवें दिन अबू लहब को एक बीमारी लगी और वो बीमारी ऐसी थी जो फैलने वाली थी तो उसके रिश्तेदारों ने घर वालों ने उसको बिल्कुल अलग थलग एक जगह फेंक दिया और सब लोग उससे दूर हो गए कि ये बीमारी हमारे न लग जाए चुनाचे जब कोई करीब ही नहीं आया तो ना कोई तीमारदारी हुई ना कोई इलाज हुआ ना कोई दवा दारू हुई नतीजतन तड़प तड़प तड़ के चंद दिनों में वो मर गया मरने के बाद भी कोई उसकी जो डेड बॉडी थी उसकी लाश थी उसके पास नहीं गया उसकी बीमारी की वजह से तो जब उसकी जिसम में बदबू फैलने लगी तो चंद मज़दूरों को उजरत देकर इस काम पे लगाया गया उन्होंने एक गड्ढा खोदा और डंडे वगैरह से उसकी लाश को धक्का देके उस गड्ढे में गिरा के ऊपर से मिट्टी डाल दी तब्बत यदा अबी लहबूत हलाकत हो हलाक हो बर्बाद हो अबू लहब की ज़ात या अबू लहब के दोनों हाथ और वो हलाक व बर्बाद हो गए उसके बाद फरमाया मा अगना आ मा कसब न तो उसका माल उसको काम आया और न कमाई उसको काम आई मा कसब का जो लगवी तर्जमा है वो है कमाई एक तो होता है इंसान का रसुल माल और एक होती है कमाई जो प्रॉफिट ऊपर से आता है किसी ने एक लाख रियाल कारोबार में लगाए और प्रॉफिट के बाद वो हो गए डेढ़ लाख रियाल तो असल जो माल है उसका रसुल माल वो तो एक लाख रियाल है और पचास हज़ार रियाल जो है ये कमाई है ये प्रॉफिट है तो माँ अगना आनू हु व माँ मा कसब उसको ना उसका अपना असली माल काम आया और ना उसका प्रॉफिट और कमाई उसके काम आई और दूसरा पौल यह है कि माँ का सबसे मुराद है ओलाद माँ का सबसे मुराद है ओलाद और माँ सब यानी कमाई से मुराद ओलाद भी होती है ये एक दूसरी हदीस से साबित है अबू दाऊद के अंदर रिवायत है सही रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अकल वलदुहु मिन सब सबसे अच्छी गिज़ा और ख़ुराक जो बंदा खाता है वो वो गिज़ा है जो अपनी कमाई से खाए दूसरों का दिया हुआ या मांग कर खाना ये अच्छी बात नहीं है अपनी मेहनत से अपनी कमाई से जो आदमी खाता है वो सबसे अच्छी गज़ा है और फिर फरमाया वह मिन कसबी ही कि उसकी जो औलाद है ये भी उसकी कमाई है लिहाजा चाहे अपने हाथ का कमाया हुआ खाए या अपनी औलाद का कमाया हुआ खाए दोनों एक ही बात है क्योंकि औलाद भी इसकी अपनी कमाई है तो इसलिए बाद मुफसरीन ने इस हदीस से इस्ता करते हुए यहाँ इस आयत करीमा में यह मतलब बयान किया कि वमा का सबसे मुराद है औलाद कि अबू लहब तबाह हो गया बर्बाद हो गया और इंतहाई जलील होकर इस दुनिया में मरा न उसको उसका माल काम आया ना उसकी औलाद काम आई यह क्यों फरमाया क्योंकि अबू लहब यह कहता था कि उसके पास जो है दौलत बहुत थी अबू लहब के जो दूसरे भाई थे अब्दुल मुत्तलिब के जो दूसरे बेटे थे उनको तो शौक़ था सरदारी का लेकिन अबू लहब को शौक़ था दौलत कमाने का तो औलाद भी थी इसके पास तीन बेटे थे तीन बेटियाँ थीं और माल मालो दौलत भी बहुत ज़्यादा था तो ये कभी कभी कहता था लोगों से कि अवलन तो मोहम्मद जो भी बातें बताते हैं ऐसा होगा वैसा होगा नउुज बिल्ला सब झूठ है और अगर बिलफर सच मान भी लिया जाए तो मेरे पास इतनी औलाद है और मालो दौलत है कि मैं औलाद और मालो दौलत देकर अपनी जान बचा लूंगा फरमाया माँ अंगना आमा कसब न इसका माल इसके काम आया और न ओलाद इसके काम आई बल्कि जब ताफन वाली बीमारी पैदा हुई तो इसी की औलाद ने इसको छोड़ दिया और इसका माल और दौलत भी काम नहीं आया ये सज़ा इसको किस बात की मिली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी की सज़ा मिली क्योंकि इसने अल्लाह के रसूल सल असलम को बड़ी अजियतें दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों का निकाह अबू लहब के बेटों से किया था हज़रत उम्म कुलसूम रदी अल्लाह ताली का निकाह हुआ था अबू लहब के बड़े बेटे से उतबा से और हज़रत रुकैया रदी अल्लाह अनहा का निकाह हुआ था इसके दूसरे बेटे से उतबा से जब आप ने नबूवत का दावा किया था तो इसने अपने बेटों से कहा कि हम ऐसा करेंगे कि मोहम्मद खुद अपने फैमिली के मसाइल में उलझ जाएं और इस्लाम की दावत देने के लिए वो फारगुल जहन न हो चुनाचे अपने बेटों से कहा कि इनकी दोनों बेटियों को तलाक़ दे दो जब ये दोनों बेटियां जाके घर में बैठेंगी तो मोहम्मद जो है ज़हनी तौर पे परेशान होंगे चुनाचे इन दोनों बेटों ने अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को बगैर किसी जुर्म के बगैर किसी कसूर के तलाक दे दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ पहुंची इस वाक़े से बाहर कैफ, तब्बत अबी लहबू अ तब मा अगना अनहू मालूहू अमा कसब ये तो अबू लहब के बारे में बताया दुनिया के सिलसिले में आखिरत में क्या होगा नारनगाहब म रात हो हमाल तहप अन करीब यह दाखिल होगा ऐसी आग में जो शोले वाली है रात लहब शोले वाली है इंतहाई ख़तरनाक और देखती हुई आग में यह दाखिल होगा यह दाखिल होगा वम रात हो और उसकी बीवी भी अन करीब दाखिल होंगे दाखिल होगा शोले वाली यानी देखती हुई आग में खुद ये अबू लहब वह और उसकी बीवी ये अजाब होगा आखिरत में और उसकी बीवी के बारे में फिर बाद में दो बातें फरमाई एक बात तो यह फरमाई हम हतब के वो हम हतब है लकड़ियां अपने ऊपर लादने वाली है लकड़ियाँ उठाने वाली है और दूसरी बात फरमाई फी जी दिया हबलो मसत हमालतल हमालतल हतब का क्या मतलब है हमाल यह मिलो हमलन के माना किसी चीज़ को उठाना हमाला उठाने वाली और हतब कहते हैं उन सूखी लकड़ियों को जो आग जलाने में इस्तेमाल की जाती है तो हमारत हतब से मुराद हजरत इब्न अब्बास और मुजाहिद और इक्रिमा और दीगर मुफसिन ने फरमाया कि इससे मुराद है चुगल खोरी कि वो चुगल खोर थी क्योंकि अरब जो है चुगल खोर को जो चुगली करता है यानी शिकायत किसी की दूसरे से लगाता है लगाई बुझाई करता है फितना करता है तो चूंकि लकड़ियाँ जो होती हैं इनसे भी आग जलती है और ये जो चुगलखोरी खोरी की जाती है इससे भी फितने की आग जलती है आग भड़कती है इख्तलाफ की आग भड़कती है तो दोनों का काम एक है इसलिए अरब जो चुगलखोर खोर होता है लोगों की शिकायतें इधर से उधर करता है उसको भी हमारा हतब कहते हैं और चुगलखोरी खोरी इतना बड़ा गुनाह है कि कत्ल के साथ और सूद के साथ हदीस में इसको बयान किया गया है और एक हदीस में आता है के चुगल खोर जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा तो हजरत इबन अब्बास और मुजाहिद और इक्रिमा इन हजरात की राय यह है कि हतब से मुराद है कि वो औरत चुगल खोर थी मुसलमानों की बातें इधर से उधर लगाकर उनके खिलाफ फितने की आग भड़काती थी और उसके बाद फरमाया फी जी दिया हबलू ममसत कि उसकी गर्दन में फी जी दिया उसकी गर्दन में ऐसी रस्सी है जो लोहे के तारों से बटी हुई है अगर मजबूत किस्म की रस्सी हो और उसके ऊपर लोहे के तार को चढ़ा दिया जाए तो इससे वो रस्सी जो है भारी भी हो जाती है मजबूत भी हो जाती है तो अक्सर मुफसरिन की राय यह है कि ये हाल इस औरत का बताया गया है आखिरत के अतबार से कि आखिरत में उसके गले में ऐसी रस्सी डाली जाएगी जो आहनी होगी लोहे के तार से लोहे के तार से बटी हुई होगी बल्कि इब्ने अब्बास ताला ने फरमाया कि ये वो कि यह वही रस्सी है जिसके बारे में कुरान ने कहा हाबू न जरा अन फलुकू के ऐसी जंजीर कि जिसकी लंबाई सत्तर हाथ के बराबर है वो क़ियामत के दिन उसके गले में डाली जाएगी और बाब मुफरीन ने फरमाया कि नहीं फी जी दिया हबल्बिमसद ये उसका दुनिया का हाल है क्यों इसलिए कि ये मालदार होने के बावजूद ऐसी कंजूस थी कि जंगल से लकड़ियां लेकर आती थी और कांटेदार दाल लकड़ियां लाकर रात में अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती थी ताकि अंधेरे में जब आप गुजरे तो उससे टकरा के गिर जाए और उसके कांटों से आपका जिसम मुबारक जख़्मी हो जाए आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए ये लकड़ियां कांटेदार इस तरह उठा के लाती थी और यही इसके मौत का सबब बना एक मरतबा लकड़ियों का पूरा गट्ठर अपने सर पर अपने सर पे रख के ला रही थी और उस गट्ठे का उस गट्ठे की जो रस्सी होती थी उस रस्सी को ऐसी अपने गर्दन में डाल लेती थी तो एक मरतबा आते आते वो थक गई और बैठ गई जब वो बैठी तो वो जो गट्ठा लकड़ियों का सर पे रखा हुआ था वो डिसबैलेंस हो गया और वो गिर गया और जब वो गिरा तो ये रस्सी जो गले में पड़ी हुई थी ये टाइट हो गई और फंदा लग गया जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई तो बाद हजरत की राय यह है कि फी जी दिहा हबलुम मसद ये उसका दुनिया का हाल है और इसी की वजह से उसकी मौत वाकई हुई बहर कैफ इस सूरत का हम शुरू से एक मतलब फिर कर लेते हैं तब बता अभी लहब तब बर्बाद हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ और बर्बाद हो गए मा अगना अनहूँ मालूँ मा कसब नहीं काम आया उसको न उसका माल न उसकी कमाई एक कौल दूसरा कौल नहीं काम आया उसको न उसका माल न उसकी औलाद

जो लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर लादने वाली है फी जी दिया उसकी गर्दन में लोहे के तारों से बटी हुई मजबूत और भारी किस्म की रस्सी है अक्सर मुफसरीन की राय यह है और अब्दुल्ला अब्बास अब्बासदी अल्लाह राय भी यह है कि फिर जी दिहा हबलुम मसद में आखिरत का हाल बयान किया गया है और ये वही रस्सी है जिसके बारे में कुरान ने कहा कि वह सत्तर हाथ लंबी होगी और दूसरा कौल ये है कि नहीं ये उसका दुनिया का हाल बयान किया गया है वो इस तरह सर पे लकड़ियों का गट्ठर रख के लाती थी और अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी और उसी का फंदा लग के एक मरतबा उसकी मौत वाकई हुई